ये आपका इंसाफ मंच आज किस लिए धरना प्रदर्शन पर? आज इंसाफ मंच का एक दिवसीय धरना है वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष। जिले में जो बढ़ते अपराध और अपराधी पुलिस गठजोड़ के खिलाफ, और पिछले दिन मेट्रो अस्पताल में एक अकाउंटेंट जो थे उनकी हत्या कर दी गई, उस हत्या का FIR अभी तक नहीं हुआ। पिछले दिन हम DIG से मिल करके इस पूरे मामले को जांच के लिए दिए थे। DIG ने आदेश किया था CTSP को कि जांच कर FIR दर्ज करें, लेकिन अभी तक FIR दर्ज मेट्रो अस्पताल के प्रबंधक पर नहीं हुआ। अभी तक FIR किसी डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस सवाल पर हम इंसाफ मंच आज धरना दे रहे हैं और आगे भी हम आंदोलन करेंगे। जी, आप आज धरना पर बैठे हैं, इसके किस संदर्भ में बैठे हैं और किस लिए बैठे हैं बताइए। जी, दरभंगा जिला में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है, लगातार पुलिस का जो भूमिका है संदेह के घेरे में आता जा रहा है। आज अखबार के पन्ने पे आप पढ़ेंगे कि लहरिया साय थाने में किस तरह एक वकील अपने सवाल को लेके जाता है तो उसके साथ पुलिस का दुर्व्यवहार करता है, ये आज जगह जगह की खबरें आ रही हैं। आज पुलिस फ्रेंडली की बातें हो रही हैं, पब्लिक के साथ फ्रेंडली की बातें हो रही हैं और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि अपराधियों के साथ इनका फ्रेंडली है और जनता के साथ, पब्लिक के साथ इनका व्यवहार मतलब कि एक तरह से दुश्मनी का रहता है। एक तरह का व्यवहार जो पब्लिक के साथ होना चाहिए वो अपराधियों के साथ है। तो ये जो पूरी हालात है इसके खिलाफ में हम लोग आज प्रदर्शन है, हम लोग एक धरना दिए हैं और पुलिस कप्तान से उम्मीद करते हैं कि जो विभिन्न थानों की जो शिकायतें हैं हम लोग देख रहे हैं कि जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है और जो अपराधी हैं उनको बचाया जा रहा है।